खेतिया हाई सेकेंडरी स्कूल ग्राम राखी बुजुर्ग में आज ऊर्जा साक्षरता अभियान के अंतर्गत जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खेतिया विद्युत विभाग के जूनियर इंजीनियर धर्मेंद्र मंडलोई उपस्थित रहे। माँ सरस्वती की विधिवत पूजा अर्चना के बाद कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता जूनियर इंजीनियर मंडलोई ने बताया कि हमें ऊर्जा की बचत करना सीखना चाहिए, दिन में कम से कम एक यूनिट बिजली की बचत करना चाहिए। उन्होंने ऊर्जा विकल्पों के बारे में भी उपस्थित विद्यार्थियों को जानकारी दी। अंत में ऊर्जा साक्षात्कार के बावत में शपथ दिलाई गई एवं अंत में पुलवामा में शहीद हुए जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम का संचालन श्याम वास्कले ने किया एवं आभार प्राचार्य राजू सोनिस ने किया। एक 9 वाट की है ना, तो 90 मतलब 11 एलईडी जल जाएगी। सोच लो तो बिना बल्ब को यूज करने से अपने को कितना नुकसान होगा, 10-11 गुना ज्यादा बिजली जला रहे। तो ये अपने को अवेयर होने की जरूरत है, इसमें ज्यादा अपने को विद्युत खर्च नहीं करना है। अपने यहाँ घर में छोटी छोटी शुरुआत करेंगे तभी अपने को उसको ज्यादा सब मिलकर करेंगे तो उसका फायदा ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो सभी ये शपथ ले लें, आप ये सुन ले कि भाई अपने को अपने घर में फिजूल की बिजली नहीं जलाना है। ज्यादा बड़े स्तर पे आप अभी फिलहाल तो नहीं करेंगे, अपने घर से ही शुरुआत करने से। आदरणीय सर ने बताया कि एक पहले खुद को देखें, खुद के घर में अगर कुछ ऐसी दिक्कतें हो या बिजली का फिजूल खर्च हो रहा हो तो उसको सुधार कर लें। ऐसे सब अपने अपने घर से करेंगे तो सभी घर अलग अलग नहीं जाना पड़ेगा, सब अपने घर में। हर कोई विदेशी त्योहार हम पे तोपा जाता है तो हम इसको अपनाएंगे नहीं, क्योंकि हम भारतवासी हैं। और ठीक उसी दिन हमारे जवानों ने अपनी आहुति दी थी, तो हम खुशी मनाएंगे या उन्हें याद करेंगे, हमने याद करेंगे। मनाते रहेगा वैलेंटाइन डे, यहाँ तुम वहाँ कश्मीर में सैनिक अपनी जवानी देकर ऐसे हमारे जवान थे। मैं अभी आप सभी को 5 मिनट में खड़ा करूंगा, हम उनको श्रद्धांजलि देंगे। खेतिया से जयेश पटेल की रिपोर्ट।